अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर अनदर व्लॉग। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा व्लॉग है वो बहुत दिनों से नहीं आया है, जिसकी वजह है पढ़ाई भी चल रही है आजकल, जिसकी वजह से ना तो टाइम मिल पा रही है और ना ही हम लोग इंजॉय कर पा रहे हैं, ना ही हम लोग कहीं घूमने जा सकते हैं। और आज मौका किस तरीके से मैं निकाल कर आया हूँ यहाँ पर, जो कि मेजवा गांव में एक अजीमुशान शख्सियत के जो घर है उनको मैं दिखाना चाहता हूँ, उनका घर। और यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, जस्ट उनके घर के बगल में ही हूँ मैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और लेकिन अब व्लॉग जो है वो रेगुलर इंशाल्लाह आता रहेगा और आप लोग इंजॉय करेंगे इस व्लॉग को देखकर। और बाकी मैं आया हूँ और एक मेरा गाँव का फ्रेंड है वो आया है, बाकी जो स्कूल के फ्रेंड थे वो नहीं आ पाए, जिसकी वजह से मैं मिस भी कर रहा हूँ उन लोगों को। अगर वो यहाँ पे होते तो काफ़ी अच्छा व्लॉग बनता, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि व्लॉग काफ़ी अच्छा बने ये भी, क्योंकि एक ऐसी जो शख्सियत है उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा और जो उनका घर है वो पूरा आपको दिखाऊँगा। तो फ्रेंड्स, एक प्रॉब्लम आ गई है जो कि जो यहाँ के रखवाली हैं, जो इस घर को देखभाल करते हैं, वो मैंने उनसे बात की है, वो कह रहे हैं कि अंदर जाने का परमिशन नहीं है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहता हूँ। अगर परमिशन मिल जाती तो अंदर का लुक जो है वो काफ़ी अच्छा लुक है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ का अंदर का। लेकिन उन्होंने यहाँ पर देखिए ताला भी लगा हुआ है, लेकिन वो अंदर जाने का परमिशन नहीं है, जो कि हम लोग जा नहीं सकते अंदर और आप लोगों को दिखा भी नहीं सकते, ठीक है। लेकिन बाहर से मैंने पूरी कोशिश की है कि अच्छा बने, अच्छी वीडियो बने। बाहर से जितना भी मैंने शॉट लिया है, जितना भी शूट किया है, काफ़ी अच्छा वो शॉट है। मैं इस व्लॉग में डालूँगा ज़रूर वो शॉट और आप लोग भी देखेंगे। लेकिन अंदर अगर मौका मिल जाता है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा अंदर भी जाने की, लेकिन अब अंदर नहीं जा सकते, परमिशन नहीं है, ठीक है। तो बाहर से ही आप लोग घर का, इस पूरे घर का नज़ारा देख सकते हैं किस तरीके से है। जिसके साथ मैं आया हूं, जो फ्रेंड मेरा है गांव का, उसको मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं और उनका इंट्रोडक्शन भी लेना चाहता हूं। तो यहां पे हमारे तालिब भाई जो कि देखिए है यहां पे, तो कुछ बोलना चाहते हैं तालिब भाई? बोलना चाहता हूं भाई, हेलो व्हाट्सअप गाइस, और तो मेरा मोहम्मद तालिब है, मैं इसका फ्रेंड हूँ गाँव का। हम लोग व्लॉग पे आए हैं गाइस, और हम लोग गाँव में साथ ही में रहते हैं और काफ़ी इंजॉय भी करते हैं गाँव में भी। कभी गांव का व्लॉग बनाएंगे तो आप लोग देखना उसको भी। फ़िलहाल तो मैं यहां पे हूं, कैफ़ी आज़मी का जो घर है उसके बाहर खड़ा हूं, अंदर जाने की एकदम परमिशन नहीं है, जिसकी वजह से मैं अंदर नहीं जा सकता और आप लोग को कुछ दिखा भी नहीं सकता अंदर जाके। लेकिन बाहर से पूरी कोशिश है, आप लोगों को पूरा बाहर का पूरा टूर दूँगा और यहाँ पर जो है
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं अब बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो कैफ़ी आज़मी की जो पैदाइश हुई थी वो इस घर में नहीं हुई थी, बल्कि यहाँ पे एक छोटा घर है जो कि बहुत ही पुराना है, जिसमें कैफ़ी आज़मी की पैदाइश हुई थी और वहीं पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारा। उसके बाद जो कि यहाँ पे वो फिर उसके बाद जो घर यहाँ पे बनाया, ठीक है, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ वो घर। आइए देखते हैं वो घर। गाइस आप लोग देख सकते हैं जो कैफ़ी आज़मी की पैदाइश जहाँ पे हुई थी, जो सबसे पुराना घर है जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये पुराना घर जो कि उनका है, देखिए पूरा टूट चुका है यहाँ पे, लेकिन जो याद है, पुरानी यादें हैं कैफ़ी आज़मी और शबाना आज़मी की, वो यहीं पे है। और वो तो नया घर जो है वो उसके बाद पहले इसमें रहते थे, उसके बाद वो नया घर बना था, जो कि अब ये देखिए रहने लायक नहीं है बिल्कुल भी और पूरी तरीके से टूट चुका है। ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मिट्टी का घर था, ईंटें वटे जो वो सब गिर चुकी है और वहाँ पे अभी थोड़ा कुछ बचा हुआ है, जिस देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरीके का यहाँ का लोकेशन है जो कैफ़ी आज़मी की पैदाइश यहाँ पे हुई थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक हैंडपम्प भी है और फ्रंट का जो हिस्सा है वो ये है, वो जो ये आप लोग देख रहे हैं वो फ्रंट का हिस्सा है, ठीक है, और वो भी है, वो भी वो जो देख रहे हैं आप लोग पूरा वो सब है, ठीक है। यहाँ पे एक पेड़ है, ये पुराना घर जिनमें जिसमें उनकी पैदाइश हुई थी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये बाहर का है और यहाँ पर एक पुराने ज़माने का कुछ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है, आप लोग देख सकते हैं ये, ठीक है, और यहाँ पे ये फ्रंट का है आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। फ़िलहाल अंदर नहीं जा पाए, परमिशन ही नहीं थी तो अंदर नहीं जा पाए, उसके लिए तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। और बाकी बाहर से पूरा मैंने शूट किया है, पूरा हर एक कोना कोना मैंने दिखाया आपको और उनका पुराना घर भी दिखाया है आप लोगों को। बाकी सब ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और इस व्लॉग में लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, गुड बाय।